मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ चमिन का रेसिपी। इसे बहुत ही आसान तरीके से घर का सामान से बना सकते हैं, तो एक बार रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर बॉयल होने के लिए मैंने पानी रखा है, थोड़ा सा मैंने इसमें तेल डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। पानी में अच्छे से बॉयल आने लगा है। अब मैं इसमें चाउमीन को डाल लेती हूँ। तो चाउमीन बहुत तरह का होते हैं, लंबे साइज का भी होते हैं और गोल तरह से भी होते हैं। तो 10 मिनट के लिए मैं मीडियम गैस पर से पकने देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक टमाटर को लंबे टुकड़ों में काटा, दो मैंने हरा मिर्च को बीच से काट लिया है, एक मैंने शिमला मिर्च को बारीक टुकड़ों में काटा, एक प्याज को मैंने बारीक टुकड़ों में काटा है। यहाँ पर चाउमीन है जो बॉयल हो गया है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। और यहाँ पर मैंने एक जाली वाला प्लेट लिया है, उसमें मैंने चाउमीन को डाल दिया है और अच्छे से मैंने इसे ठंडे पानी से धो लिया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी। तेल डालने से चाउमीन है जो आपस में चिपकता भी नहीं है और ये बिल्कुल ही खिला खिला बनता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने तेल को मिला लिया है और इसे 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देती हूँ। 2 चम्मच मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, इसमें तेल गर्म हो गया तो बारीक कटा हुआ मैंने इसमें प्याज शिमला मिर्च टमाटर हरा मिर्च को डाल दिया है और इसे 2 से 3 मिनट मिलाकर अच्छे से मैं भून लेती हूँ। तो सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ये पक जाए। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बल्कि जीरा का पाउडर, 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाला है। सभी को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। मसालों को भी मीडियम गैस पर 2 मिनट तक मिलाकर भून लूँगी। यहाँ पर 2 मिनट हो गया है। 1/2 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें टमाटर सॉस डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस डाला है। इसे भी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अब इसमें बॉयल किया हुआ चाउमीन को मैं डाल देती हूँ और इसे भी अच्छे से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाउमीन को डाल दिया और अच्छे से मिला लिया है, बिल्कुल ही रेडी हो गया। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे आप घर पर एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो आप मार्केट में खाते उससे बेहतर और अच्छे तरीके से घर पर आप बनाएंगे। तो एक बार रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।